अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कल या परसों जुमेरात को और जुमे को ईद है, तो आज हम जा रहे हैं गांव, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। तो व्लॉग को दोस्तों एंड तक देखना, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपको दिखाऊँगा गाँव के कुछ सीन, तो चलते हैं, अभी फिलहाल तैयार शैर होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि वो शेल्बी और ग्रेस को भी साथ लेके जाना है गाँव, तो गर्मी बहुत है, इस वजह से शेल्बी और ग्रेस को भी थोड़ा नहला लेते हैं ताकि ठंडे हो जाएं। तो व्यूअर्स, गांव जाने से पहले गाड़ी को साफ करना पड़ेगा। आज रोज़ा ही बहुत लग रहा है, लेकिन गाड़ी तो साफ करनी पड़ेगी, तो गाड़ी साफ कर लेते हैं पहले। अच्छा, तो जैसे ही मैंने गाड़ी साफ़ किया और गाड़ी स्टार्ट ही करने लगा था, तो गाड़ी जो है ना मसला कर गई है, बैटरी का कोई मसला आ गया। मैंने कहा ये नवा रोला पै गया। तो व्यूअर्स, अभी जंप ले लगाई है गाड़ी में, गर्मी भी बहुत है, रोज़ा भी लग रहा है और गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही। तीनों काम हो गया, अल्लाह करे बस गाँव चली जाए तो आगे कोई टेंशन नहीं, आगे बंदा कुछ जिगाड़ लगा लेता है, यहाँ से बस स्टार्ट हो जाए। ये देखें जी, काम जारी है, उसने लगाई है, स्टार्ट हो जाए तो बात है। और व्यूवर्स, व्लॉग को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। और हो सकता है मैं पार्ट टू भी निकालूं, क्योंकि हमने एक दो रोज़ रहना है उधर गाँव में, इस वजह से। तो दोस्तों, निकलना था हमने सुबह सुबह, 2:45 हो गए दोपहर के, अभी तक नहीं निकल पाए क्योंकि ये देखें गाड़ी ख़राब हो गई है। अभी जंप लीड लगाई है इस वाली गाड़ी के साथ, हो सकता है स्टार्ट हो जाए। ये नया पंगा पड़ गया है, रोज़ा भी लग रहा है, गर्मी भी बहुत है और गाड़ी भी ख़राब हो गई है, तो अल्लाह करे बस यहाँ से गांव तक चली जाए, स्टार्ट हो जाए, आगे कोई जुगाड़ लगा लेता है बंदा, कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो ये जी व्यूअर्स, हमारी गाड़ी शुक्र है स्टार्ट हो गई है, जंप लीड से स्टार्ट हुई है। ओ, लगता है फिर से बंद हो गया। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो व्यूअर्स, अब हम गाड़ी लगाने लगे हैं इधर ही, ताकि कोई मसला पेश आ गया तो गाड़ी पास ही होगी, चलने कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। तो व्यूअर्स, गाड़ी मैंने इधर ही लगा दिया है, अब मसला ये है कि दीवार को बहुत साथ लगा दिया, तो अब मैं निकलूँगा कैसे, कोशिश करते हैं निकल जा निकलने की, बड़ी मुश्किल से निकल रहा हूँ। दोस्तों, मैं गांव के लिए तैयार हो गया हूँ, तो तैयार होते होते सारा सिस्टम करते 5 हो गए हैं, तो बाकी का सीन आपको गांव पहुँच के दिखाते हैं, चलें। दोस्तों, देख सकते हैं आप, हम अपने गांव आ चुके हैं, तो कल जो है ना ऐलान बहुत लेट हुआ है ईद का, बहुत इंतज़ार किया है, बड़ी मुश्किल से ईद का चांद नज़र आया है, तो अभी हम जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए, तो वापस आके आपसे मुलाकात होगी, अब हम ज़रा तैयार श्यार रो लें तो फिर बात होगी। अच्छा, तो दोस्तों, व्लॉग में बहुत लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी मेरे मोबाइल की बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, अभी भी आप देख सकते हैं सारा सिस्टम किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज ईद है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। 4:41 हो चुके हैं, तो आज हमारा गांव में पहला दिन है ईद का, तो देखते हैं कब तक रुकें इधर, और आपको मैक्स और टाइगर से भी मिलवाते हैं थोड़ी देर में,
तो लोग को देखते रहिएगा। तो दोस्तों मैक्स और टाइगर को अभी फिराने लेके आए हैं, थोड़ी वॉक शॉक कराने लेके आए हैं, तो आपको दिखाते हैं। टाइगर, तो दोस्तों मैक्स सेट था तो अभी बीमार हो गया था पिछले दिनों, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया ये। अभी इसको खुराक शाक खिलाएंगे तो सेट होगा। मैक्स, मैक्स